भाइयों, इस गन्ने की हाइट देखो, कितने हाइट का यह गन्ना है। बहुत ही गजब दुर्लभ प्लॉट बना आप में जी लग रहा है देख के, फिर से रस में जाऊंगा तैयार। देखो क्या भारत है, 450 के करीब मान के मैं चल, और पैसे भी इसके अच्छे बनेंगे फिर से। वर्षीय सुभाष जी समझ के समझेंगे दोनों, तो उम्मीद कर सकता हूँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और जो 0238 वेरायटी है किसान भाइयों, सबसे बढ़िया। नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मी राठौचल पर रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम बलेड़ी गांव में आए हैं, और आज दूसरा चांस हमें मिला कि बलेड़ी में आकर कोई वीडियो हम बना रहे हैं, हालांकि गांव हमारे पास ही है। तो भाई गोल्डी ने बहुत ही शानदार व्यवस्था कर रखी पेड़ी गन्ने की। ये इनका रेटून हो गया, जो कि इनका रस में कटा था गन्ना, किस टाइम की क्या बुआई थी और इस बार क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, पूरी प्रॉपर जानकारी किसान से कराता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह, सबसे बड़ा खेत मुझे जो लगा, सबसे अच्छी बात मुझे लगी, इससे शानदार खेत आस पास यानी कि 50 किलोमीटर में तो शायद ही हो, क्योंकि असोच के टाइम पे ये कट गई थी, रस में गया था गन्ना, तो इस साइड का गन्ना नहीं है। तो दुख मुझे इस चीज़ का हुआ है, ये सड़क पे देख सकते हैं आप, सड़क पे खेत है, इस पे कोई प्रदर्शन में कोई गन्ना प्रदर्शन में कहीं नहीं आया। मील वालों ने भी क्या राजनीति लगाई, कोई बोर्ड वगैरह यहाँ लगाना उचित नहीं समझा। इन्हें भी प्रगतिशील किसान ज़्यादा कुछ अलग ही तरह के पसंद है, क्या है क्या नहीं। तो भाई से पूरा परिचय करा दूँ, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़े। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी, एक बार अपना अच्छे से परिचय करा दे। मैं गोल्डी नाम है भाई साहब मेरा, और मैं यहाँ गांव भलेड़ी कस्बा जानसठ जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। जिला मुजफ्फरनगर का, ठीक है भाई जी, आपसे तो मैं वरिष्ठ हूँ। मुझे एक चीज़ बताओ, ये आपका जो गन्ना था इस बार तो पेड़ी हो गया जी, जो आपने बोर्ड का गन्ना बोया था वो कब बोया था और कब खाली कराया आपने? ये पिछले साल जी हमने सरसों काट के हमने गन्ना लगाया था 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल यानी कि फागण से कुछ बाद हो गया अप्रैल में, थोड़ा सा क्या नाम जो है ये समझ लो गन्ना बोया जाता है आपका मई में जी गेहूं का, तो हमने 12 अप्रैल को बोया। 12 अप्रैल को आपने बोया था, उसके बाद हमने ये ट्रंच विधि से बोया जी, बिल्कुल 5 फुट पे गन्ना है। 5 फुट पे गन्ना है आपका, चलो 5 फुट पे गन्ना है। और इसके बाद हमने ये 3 अक्टूबर को खेत में से कटवा दिया था, ये हमने रस में दिया था गन्ने 450 रुपए क्विंटल, दिल्ली चला गया था। क्या लिखा आया था भाई जी उसका? उस वक्त जी इसका जो औसत आया था हमारा बीघे का, तो 62 क्विंटल का बीघा आया था। बहुत बढ़िया जी, 62 क्विंटल का निकल रहा है, लगभग 90,000 रुपए के आसपास गन्ना निकला। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 6 महीने के गन्ना होने में लगभग 4 से 5 दिन बाकी थे, उससे पहले ही हमने गन्ना कटवा दिया। बहुत बढ़िया करा जी, बहुत बढ़िया चला गया आपका। और उस टाइम पे आपने कुछ बुआई करी थी इसमें? हाँ जी, उसके बाद मैंने इसे कटवाने के बाद मैंने इसमें क्या नवंबर में सोइंग करी थी उसकी, आलू की, आलू मैंने इसमें आलू लगाए थे, और आलू का मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, आलू मैंने निकाले इसमें 80 कट्टे के आसपास। ये कितना पोर्शन है आपका करीब? ये 4.5 बीघे है। 4.5 बीघे आलू, आलू कितने के हो गए आपके? भाव ठीक था उसमें? भाव थोड़ा मंदा था, लेकिन मुझे नुकसान भी नहीं है तो फायदा भी नहीं, लेकिन मेरा गन्ना जो है वो मेरा गन्ना से मल गया था। पत्ते का खाद तो बन गया, पत्ते का खाद बन गया। उस टाइम पे सरसों वगैरह भी अपना ऑटोमेटिक बहुत जमी थी इसमें। हाँ सरसों जमी थी, आलू हाँ वो कट पड़वाई थी आपने सब लेके, सरसों पड़वा दी थी, पड़वाने के बाद क्या नाम आलू इसमें बहुत अच्छे हुए। आलू के बाद फिर मैंने इसमें आपका पेड़ी पे ध्यान दिया, पेड़ी पे ध्यान दिया, पेड़ी देखो आप आपके सामने है। नहीं उस टाइम पे जब वो निकली थी ना मैंने देखा, उस टाइम पे आलू वगैरह आपने निकलवा हल्की फुल्की जैसे सबकी पेड़ी हो रहा है ऐसी लग रही थी, तो लोग बाग मुझे नॉर्मल सी लग रही ये ठीक है, बस कह रहे थे कहने जी से जुतवा के आप क्या नाम जो है दोबारा बो दो, क्योंकि इसमें एक पोया यहाँ था, एक पोया एक 2 फुट पे था, एक 3 फुट पे था, ऐसे था, तो सभी लोग बाग कह रहे थे कि इसे जुतवा के। मैंने कहा नहीं भाई, क्योंकि मेरी पेस्टिसाइड की दुकान भी है, तो मैंने इसमें मेहनत करी, आपके सामने रिजल्ट है। रिजल्ट भी ऐसे वैसे नहीं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया उत्साहजनक रिजल्ट है। बाकी पेटी नॉर्मल थी, मैं बताने लोगों मेरी तरफ से, जैसे मैं लिगड़ो जाऊँ तो यहाँ को जाना हमारा कस्बा जानसठ पड़ता है, अभी तो नॉर्मल था मामला, अब नॉर्मल बना दिया आज की तारीख। मैं भी दिन रात मेरा भी यही काम है खेती का, तो मैं भी खेत देखता रहता हूँ, मुझे ऐसी पेटी अभी कोई दिखाई नहीं दे रही। अच्छा जो आपने जब कटाई दी है उस टाइम पे कोई रेटून वगैरह कुछ चला? मैंने रेटून लगवाया था जी। अच्छा रेटून लगा, प्लान करवाई थी? मैंने कटवाया था इसको 3 अक्टूबर को जी, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर, 2 दिन में हमारा खेत खाली हो गया था। 5 अक्टूबर में बहुत तगड़ी बारिश हुई थी जी, 5 अक्टूबर बारिश होने के बाद खेत में गोड्डो गोड्डो पानी हो गया, ठीक है जी। फिर ये 27-28 तारीख के आसपास अक्टूबर में फिर मैंने आलू की बुआई करी थी, आलू की बुआई कर दी थी हाँ, लगभग 20 दिन बाद 27-28 हाँ अक्टूबर को, अक्टूबर में कर दी थी हाँ। चलो, और ये आलू कब निकले आपके? आलू मैंने फरवरी में कटवा दी थी। उस टाइम पे जब आपने रेटून चलाया था कोई फंगीसाइड स्प्रे वगैरह तो दी थी ना? जो मैंने स्प्रे दी थी फंगीसाइड की, रेटून चलवाया था मैंने 27-28 तारीख में आलू लगाने से पहले जी, तो उस वक्त मैंने इसमें जड़ में फंजीसाइड की स्प्रे कराई थी। वो क्या था? मैंने प्रोपिकोनाजोल, टिल्ट के नाम से आता है, चलो चलो प्रोपिकोनाजोल, चलो मैंने उसकी स्प्रे कराई थी, और नीचे खाद डाला था जो मतलब आलू के हिसाब से जी जी, गन्ने में कोई स्पेशल कुछ नहीं डाला था उस वक्त मैंने, जो भी डाला है गन्ने में वो फरवरी में आलू कटवाने के बाद बात कटवाने हाँ।
शुरू के डोज क्या लेके चले थे आलू आपके कट के? थोड़ी सी व्यवस्था की बात करूँ अगर मैं। आलू कटने के बाद मैंने तुरंत इसमें से एक कट्टा डाई, आधा कट्टा यूरिया, एक कट्टा पोटाश का, और उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट वो मैंने लगवाया था। कैल्शियम नाइट्रेट में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि उसकी खुराक वगैरह कितनी देनी चाहिए? शुरू से ही 5 किलो बीघे के हिसाब से डोज लगा, वन टाइम ही डाल, एक बार में डाल, ओनली वन टाइम। रिजल्ट भी आपको अच्छा मिला? अब मैंने मट्टी चढ़ाई पे, अब मैंने मट्टी चढ़ाई पे आपका क्या नाम जो है पोटाश डाला है, यूरिया डाला है, डाई डाला है, उसके बाद इनका वीरा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आता है, कॉम्प्लेक्स लगाया है, कैल्शियम नाइट्रेट, फिर दोबारा से रिपीट किया। मतलब पोटास दोबारा भी दिया आपने? और यानी कि सेकंड डोज आपकी मार लूं? सेकंड डोज मैंने अब से 1 महीना पहले, क्योंकि कुछ किसानों को ऐसा मानना है, सच बात ये भी है कि जो डोज प्राथमिक तौर पर पहले लगाते हैं यानी कि डेट ऑफ सोइनिंग वगैरह या फर्स्ट टाइम आप लगाते हैं जैसे आपने शुरुआत करी तो वो 52-54 दिन के बाद में एंड हो जाए उस डोज का, वो एंड हो जाती है पूरी बरसात के लिए, फिर कोई एक डोज ही है अक्सर। देखिए जैसे ही आपके खेत में गन्ने की पूरी बननी शुरू हो जाए उस वक्त गन्ने को खुराक की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और किसान उस वक्त घर बैठ जाता है, उस टाइम न्यूट्रल हो जाके उस टाइम, हाँ उस वक्त क्या होता है किसान सोचता है फसल अच्छी होगी, लेकिन उस वक्त खुराक की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, उस वक्त खुराक देना बहुत जरूरी है। देखो बेसिक नॉलेज भाई को कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी बात भाई ने बताई है, एक नई चीज निकल के जो आई है। एक डोज उस टाइम पे चाहिए जिस टाइम पे गन्ना वगैरह आपका बनने लगे, जो प्राथमिक डोज आपने दी थी शुरू में वो तो एंड हो लिया उसका, तो वो तो पौधा सब ले गया, बाकी नेक्स्ट डोज भी आपकी फसल को चाहिए वो हमने पूरी दी है, जो हमने बुआई में लगाया था उतना ही हमने क्या नाम जो है इसमें आपका सेकंड डोज में दिया है। नाइट्रो न्यूट्रेंट कौन से लिया आपने? माइक्रोन्यूट्रेंट 11 का और आपका गोरमंडल का फिटसोल, फिटसोल रिजल्ट भी। और स्प्रे वगैरह में कुछ रोग वगैरह का निदान कराओ किस चीज का? 40-40 आता है, सीरा साकी कर लो, आपका पॉलिश कर लो, इसके बाद आपका लिसेंटा कर लो, सब पॉलिश का दिखे है। अच्छा अच्छा, मैंने पॉलिश कर किया हुआ है, रिजल्ट अच्छे है। तो कोई टोपर वगैरह पड़ा कि नहीं पड़ा? पूरे खेत में कोई नहीं है, आप देख लो। और पोको पॉइंट की एक आधी शिकायत है, और पोको पॉइंट के लिए मैंने इसमें एमस्टार टॉप सिजेंटा का कर दिया था आपसे 1-1.5 महीना पहले। और इसके लिए क्या करा टोपर के लिए? टोपर के लिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसमें एक बार क्या नाम जो है पॉलिश की स्प्रे करी है, सिर्फ पॉलिश की 200 ग्राम पॉलिश लेके इसकी जड़ में स्प्रे करा दी थी, जड़ में ट्रंचिंग, जी ट्रंचिंग करा दी थी, उसके बाद मैंने इसमें कोई स्प्रे नहीं करी है। एक बार क्या नाम जो है लैम्डा की स्प्रे कराई थी कि वो पायरेले आ गया था, अभी भी करनी पड़ेगी मुझे, कोई आवश्यकता नहीं लग रही कि मुझे कोई टॉप बोरा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं खेत का जाऊंगी भी लाजवाब है, देखने वाला बनता है। अच्छा लोग बाग जैसे बोलते हैं बरसात में खाद वगैरह गिरते तो उनके लिए क्या बोलोगे? नहीं वो गलत है कि सही है? नहीं बरसात में यूरिया का जो इस्तेमाल है, इस वक्त यूरिया की जरूरत है, खेत को यूरिया की आवश्यकता होती है इस वक्त, लेकिन खुराक उसके साथ आपको पोटाश देना बहुत ज्यादा आवश्यकता है, मतलब निकाली से नहीं डालना, नुकसान दे जाएगा, पोटाश जरूर देना डालना चाहिए। क्यों? मेरा मानना तो यह है जैसे बताऊं आपसे, बरसात में वातावरण से खुद ऑटोमेटिक मिलती है नाइट्रोजन, देखो जी पौधा जो तो है, फंगस वगैरह बनती है ना इससे, फंगस आती है, यूरिया से फंगस आती है, तो मैं वही चीज मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैंने इस पूरी साइकिल में आपका फरवरी से लेके अभी तक 1 कट्टा यूरिया डाला है, आधा कट्टा तब डाला था, आधा कट्टा डाला, आधा कट्टा डाला। अब एक चीज मुझे बताओ, यूरिया का बहुत कम इस्तेमाल, मिट्टी वगैरह तो चढ़ा दी, मिट्टी चढ़ गई है, मिट्टी चढ़ गया फिट होगा, तो अब कब कटवाने की प्लान से? कोशिश तो यही है कि सितंबर में कट जाए गन्ना रस में। देखो किसान भाइयों, ये 1.5 साल में 2 बनी कटने की कोशिश है, 1.5 साल में 2 बनी, और उसके साथ में आम तमाम गुठली के दाम आलू भी ले लिए, तो कटवाने के बाद अब क्या फिर पेटी रखने की कोशिश है? इसमें क्या नाम जो है, हाँ इसे क्या नाम जो है, जैसे कटवा के इसमें रुटून लगवा दूंगा, रुटून लगवा के इसके मैं सरसों बोएंगे फिर से, तिवर सी पेटी। बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया, तो तिबड़ सी बड्डी भी लोगे, उम्मीद तो यह है बढ़ के आवेगी। अच्छा ना बताओ पिछली बार से इस बार कुछ कोई चीज आपको एक्स्ट्रा लगी फसल में, कुछ हाल वगैरह बढ़वारे कुछ लगाओ? इस वक्त जो गन्ने का फुटाव है, पिछली बार भी फुटाव बहुत अच्छा था, लोग बाग देखते थे आके, लेकिन इस बार जो घुटाव है एक महीने में 20-25 के गन्ने हैं, आप जाके चेक कर लो। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल अंदर की तरफ जाऊँगा। भाई जी आप यहाँ पे खड़े हो लो एक बार, पानी भर रहा भाइयों पर, मैं ही चलूँ अंदर, भाई जी को तो छोड़ दो, आप ही चेक कर लो, मैं अंदर की तरफ जाके देखते हैं इसमें। और आप इसकी हाइट वगैरह भी देखना सारी चीजें, ये कहोगे खेत अब लो दिखाया नहीं, वीडियो बनाते जा रहे बनाते जा, भाई अब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी पर रुके रहियो, चीज अलग ही दिखाऊंगा आपको। ये देखो गन्ना इसमें कितना बन लिया, ये देखो किसान भाइयों, अजी बन ली, ये देखो किसान भाइयों, एक पोरी हो, एक पोरी नीचे, एक ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही पोरी इसमें अंदर आ जाएगी, 7 पोरी इसमें बल्ली करीब करीब, अगर मैं लगाऊँ मेरी छाती के लगभग ये पहुँच गया है, इसकी हाइट इतनी हो रही है, और हाइट भी आप देख सकते हैं कहीं पे कोई स्पेस, इस खेत में सबसे बड़ी बात है कोई स्पेस नहीं है, जगह खाली नहीं है, एक एक जलिंडा इनका हरा हुआ है, गन्नों की संख्या भी बहुत अच्छी बन रही है, और आगे तो ये व्यवस्था फिलहाल पानी भरा पड़ा है लगा रखी। पर भाई जी एक चीज़ कहा मैं मिट्टी के बारे में, मिट्टी तो एक बार और मांग रहा हो, 2 बार और दोगे? तो भाई जी 1 मिनट को ये पकड़ लो फोन,
इसके हाइट वगैरह भी नहीं दिख जाए किसान भाइयों, ये फ्रंट खुल गया शायद, एक मिनट देखो किसान भाइयों इसकी हाइट देखो, एक पकड़ना लाओ थोड़ा सा कैमरा हिलाना मत, ये देखो इसकी हाइट देखो किसान भाइयों, इस गन्ने की हाइट देखो कितने हाइट का यह गन्ना है, बहुत ही गजब दुर्लभ प्लॉट अपने आप में, जी लग रहा है देख के फिर से रस में जाने को तैयार। देखो क्या भारत है, 450 के करीब मान के मैं चल, और पैसे भी इसके अच्छे बनेंगे फिर भाई के दोनों, तो उम्मीद कर सकता हूँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। जो 0238 वैरायटी है किसान भाई, सबसे बढ़िया और सबसे शानदार बात मुझे जो इस गन्ना वैरायटी की लगी, ये एवरग्रीन वैरायटी है, आप कभी भी बोल सकते हो, असोज में बोलो, फागण में बोलो, चाहे गेहूं बात का गन्ना बोलो, किसी समय बोलो, आप कोई समस्या नहीं आती आपके सामने। तो भाई जी पूरी प्रॉपर जानकारी हमने लगभग मीडिया पर देने की कोशिश करी, कोई नई चीज़ किसानों के लिए कोई सुझाव हो तो भाई जी और बता दो एक बार। मेरा सुझाव यह है कि किसान को 5 फुट पे गन्ना बोए, ट्रंच विधि से गन्ना बोना चाहिए, और फसली कोई भी खेती आप बो सकते हैं, उसमें किसान को डबल फायदा होगा। अभी मैंने गन्ना बो रखा है 6 बीघे जी, उसमें मैंने 18 बोया है वो जी, 18 में मैंने मिर्च लगा रखी है, और मिर्च के रेट आपने देखा ही, आपकी बार क्या 60 के रेट चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ तो इतना मेरा गन्ना नहीं होगा उसमें, उससे ज़्यादा मैंने मिर्च निकाल ली, ठीक है। अभी पानी भरा हुआ है आगे रोड पे, मैं तुम्हें दिखाता, नेक्स्ट टाइम जब भी पानी आपका सूखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया जानकारी दी भाइयों, किसान इसकी बहुत प्यारी वीडियो बनाई हमने, आगे भी भाई की वीडियो बनाओगे, कृपया इस वीडियो को शेयर करियो, लाइक करियो, कमेंट वगैरह आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। इस तरह के प्रगतिशील किसानों से हम आपको बार बार मिलाने की कोशिश करेंगे, ये हमारा छोटा सा प्रयास था, वैसे आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो ठीक है भाई जी, नमस्कार।